मोती तमंदर यूस रह रतनीता हो हिजड़ा कस्तूर कुंगो अगर चंदन लीप आवे चा मत देख पूला विसरे तेरा चित ना आवे ना तेरा चित ना आवे ना तेरा चित ना आवे ना मत देख पूला विसरे तेरा चित ना आवे ना तेरा चित ना आवे ना तेरा चित ना आवे ना मत देख पूला मोती तमंदर यूस रह रतनीता हो हिजड़ा कस्तूर कुंगो अगर चंदन लीप आवे चा मंदर यूस रह रतनीता हो हिजड़ा कस्तूर कुंगो अगर चंदन लीप आवे चा मत देख पूला मत देख पूला विसरे तेरा चित ना आवे ना तेरा चित ना आवे ना मत देख पूला विसरे तेरा चित ना आवे ना तेरा चित ना आवे ना तेरा चित ना आवे ना मत देख पूला विसरे हर बिन जियो जल बल जाओ जियो जल बल जाओ मैं अपना गुर पूछ देखिया अवर नाही था हर बिन जियो जल बल जाओ जियो जल बल जाओ मैं अपना गुर पूछ देखिया अवर नाही था मत देख पूला विसरे तेरा चित ना आवे ना तेरा चित ना आवे ना तेरा चित ना आवे ना मत देख पूला विसरे धरती ताही रे लाल जड़ती पलंग लाल जड़ा
मोहनी मुख मणि सोहे करे रंग पसाओ। धरती ताही रे लाल जड़ती पलंग लाल जड़ा मोहनी मुख मणि सो है करे रंग पसा। मत देख पूला विसरे मत देख पूला विसरे तेरा चित नया बहना तेरा चितना आवे ना। मत देख भूला बिसरे तेरा चितना आवे ना तेरा चितना आवे ना तेरा चितना आवे ना। सिद्ध होवा सिद्ध लाई रिद्ध आखाया गुप्त परगट होए बैसा लोक राखे पाओ। सिद्ध होवा सिद्ध लाई रिद्ध आखाया गुप्त परगट होए बैसा लोक राखे पा। मत देख पूला विसरे मत देख भूला बिसरे तेरा चितना आवे ना तेरा चितना आवे ना। मत देख भूला बिसरे तेरा चितना आवे ना तेरा चितना आवे ना तेरा चितना आवे ना। मत देख भूला विसरे सुल्तान होवा मेल लस कर तख्त राखा पाओ हुक्म हासिल करी बैठा नानका सब वाओ। सुल्तान होवा मेल लस कर तख्त राखा पाओ हुक्म हासिल करी बैठा नानका सब वा। मत देख भूला विसरे मत देख भूला विसरे तेरा चितना आवे ना तेरा चितना आवे ना। मत देख भूला विसरे तेरा चितना आवे ना तेरा चितना आवे ना तेरा
चित ना आवे ना, तेरा चित ना आवे ना, तेरा चित ना आवे ना। वाहेगुरु जी, तेरी टेक तेरा आधारा, हाथ दे तू राखे जिस जन ऊपर तेरी कृपा, तिस को बिपना को पाखे। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। बोल न जाने माया मद माता, मरण चीत न आवे। बोल न जाने माया मद माता, मरना चीत न आवे। मरना चीत न आवे, मरना चीत न आवे। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। मेरे राम राय, मेरे राम राय, तू संता का संत तेरे, तू संता का संत तेरे। मेरे राम राय, मेरे राम राय, तू संता का संत तेरे, तू संता का संत तेरे। तेरे सेवक को पाओ किछ नाही, जम नहीं आवे नेरे, 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 जम नहीं आवे नेरे। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। जो तेरे रंग राते स्वामी, तिनका जन्म मरण दुख नासा, तिनका जन्म मरण दुख नासा। जो तेरे रंग राते स्वामी, तिनका जन्म मरण दुख नासा, तिनका जन्म मरण दुख नासा। तेरी बख्श ना मेटे कोई, सतगुर का दिलासा, सतगुर का दिलासा, सतगुर का दिलासा, सतगुर का दिलासा।
सतगुर का दिलासा। जिसके सिरे ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे। जिसके सिरे ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे। बोल न जाने माया मद माता मरना चीत न आवे। मरना चीत न आवे। मरना चीत न आवे। मरना चीत न आवे। जिसके सिरे ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे। जिसके सिरे ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे। नाम तियायन सुख फल पायन आठ पहरे आराध हैं। आठ पहरे आराध हैं। नाम तियायन सुख फल पायन आठ पहरे आराध हैं। तेरी शरण तेरे परवास है पंच दुष्ट ले साध हैं। दुष्ट ले साध हैं। पंच 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 दुष्ट ले साध हैं। जिसके सिरे ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे। जिसके सिरे ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे। ज्ञान ध्यान किछ कर्म न जाना सार न जाना तेरी। सार न जाना तेरी। ज्ञान ध्यान किछ कर्म न जाना सार न जाना तेरी। सार न जाना तेरी। सब ते वड्डा सतगुर नानक जिन कल राखी मेरी। जिन कल राखी मेरी। सब ते वड्डा सतगुर नानक जिन कल राखी मेरी। 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 जिसके सिरे ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे। जिसके सिरे ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे। जिसके सिरे ऊपर तू स्वामी। जिसके सिरे ऊपर तू स्वामी। जिसके सिरे ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे। परम सत्कार योग सम्मान योग सतगुरां दी साजी निवाजी होई गुरु रूप गुरु प्यारी सत्संग जीओ आप जी बहुत ही वडभागे हो साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन पवित्र हजूरी विच बैठ करके रबी बाणी अलाही बाणी का आनंद माणदिया होया कीर्तन सरवण करके अपने जीवन दिया इन्हां घड़ियां नूं सफला बना रहे हो। वडभागी हर संगत पाव है भागहीन भ्रम चोटा खावें बिन भागा सतसंग ना लभै बिन संगत मैल भरीजै जीओ।
पावन बचन है अपने सतगुरु कै बलिहारै आगै सुख पाछै सुख सहजा घर आनंद हमारा। साडे घर दे विच जिस वेले सतगुरु जी दे चरण पैण उह समां दुनिया दा सब तो सुहावना समां हुंदा है, साडी जिंदगी दा सब तो कीमती समां हुंदा है। अज श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी ने बख्शिश कीती है, बहुत ही प्यार वाला सेवक परिवार डॉक्टर अमरिंदर सिंह जी तिना दी धर्मसपत्नी बीबी निरवैर कौर सारे परिवार वालों सतगुरु जी की दित्ती हुई दात सुंदर घर सुंदर महल जो कि हरेक गृहस्थी की एक लोड़ है, वडमुली एक लोड़ है, बहुत ही जरूरी लोड़ है। खंखार जानवर जिहड़ा हुंदा शेर उन्हों भी अपने रहन वास्ते अपने बच्चों के रहन वास्ते एक गुफा चाहिदी हुंदी है, एक जहरीला सप भी अपने रहन वास्ते एक खुड भालदा है। जितने भी जीव जंतु हन सारयां दे घर हुंदे हन ते परमेश्वर वाहिगुरु जी की निगाह सारयां दे घरां उत्ते है, भावें कोई परमेश्वर का शुक्र करता है भावें नहीं करता, परमेश्वर ने सारयां नूं उहदा रहन वास्ते टिकाणा दिता है। कोई गरीबी विच रहिंदा है कोई अमीरी विच रहिंदा है, उहदे अपने कर्म हन अपनी मेहनत है। सच्चे पातशाह गरीब नवाज जी कहिंदे हन कि सभना उपर नदर प्रभ तेरी किसे है थोड़ी किसे है कनेरी। वाहिगुरु जी किसे दे उपर तेरी निगाह थोड़ी है किसे दे उपर वधेरी है, कोई करमी आपो अपनी के नेड़ा के दूर। अपने चंगे कर्मां दे करके कोई तेरे नेड़े वसदा है, कोई माड़े कर्मां करके तेरे तो दूर हो जाता है, तो जिहड़ा दूर हो जाता है बख्शिशां तो खाली रह जाता, जिहड़ा नेड़े हो जाता है वह बख्शिशां दे नाल भर जाता है। परमेश्वर वाहिगुरु जी जिहदा वासा साडे सारयां दे हिरदयां दे विच है, जिसनों नारायण कहा जाता है, नारायण तुसीं टैलीविजनां दे विच देखदे होवोगे, हिंदी जिहड़े सीरियल चलते हैं वह एक साधु जिहा घूमदा है बन के जिहनूं नारद कहिंदे हन नारायण नारायण, बेशक उह किदां दा सी इह नहीं पता, पर गुरबाणी दे विच नारायण जिहड़े अर्थ कीते हन महाराज दे नारायण नारद मुनि जिहड़ा बड़ा ही उच्चा पहुंचया होया एक बहुत साधु सी, हर वेले बंदगी करदा रहिंदा सी ते सारे लोकां विच चला जांदा, किसी भी देश विच किसी लोक विच ब्रह्म लोक चला जावे इंद्र लोक चला जावे किथे भी चला जावे उहनूं रोक टोक नहीं हुंदी सी, सारे उहदा सत्कार करदे सन। क्यों? उह हर वेले नारायण नारायण जपदा रहिंदा सी। बंदगी करन वालियां नूं किते भी कोई रोक नहीं हुंदी, किते भी जा सकदे हन, इस करके उसनूं नारायण क्यों कहा जांदा है, क्योंकि वह सारे नरां विच आया होया ते उसने अपने सारे नरां विच घर पाया होया। नर दा अर्थ हुंदा मनुख जीव, आयन दा अर्थ हुंदा घर, सारयां दे हिरदयां दे विच मौजूद है, कितों आण दी उसनूं लोड़ नहीं, बस उहदे नाल मित्रता बाण दी लोड़ है, उत्तों सलाह मशवरा लैण दी लोड़ है। जिवें घर विच माता पिता बजुर्ग बैठे होण उहनां नूं पुछीए ना ते कम कई सफल नहीं हुंदे, सफलता हो जाएगी पर उस खुशी नहीं मिलेगी, पर जो आप बजुर्गों को पुछ के तुरद हैं ना तो वह काम में सफलता भी मिलती है तो खुशी भी मिलती है, तो आंदा माँ बाप गलवकड़ी भी लेंदे शाबाश मेरा पुत काम सफल करके आया। इस तरह साडे अंदर परमेश्वर बैठा है, कोई भी कार्य शुरू करना तो गुरु तो सलाह का मतलब अरदास करनी है, सलाह का मतलब गुरु तो आग्या लैनी है, अरदास कर लग्या महाराज आ काम कर लगा शुरू तुसी मेरी मदद करो। जे चाहुंदे आ कि जिथे असी रहने ते परमेश्वर भी साडे घर विच रहे ते उहनूं बुलाउण दी लोड़ नहीं, पहले ही मौजूद है, वह साडे घरां विच पहले ही रहिंदा है, पर देखण दी लोड़ है महसूस करन दी लोड़ है। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज च बाणी दी पंक्ति है, सर्वे थान थनंतरी तूं दाता दातार। हे वाहिगुरु जी सारे थाना विच सारियां थनंतरियां, थनंतरी की हुंदा ते थान की हुंदा, जिवें एक घर है वह है थान, घर दे विच कमरे हुंदे हन वह थनंतरियां हुंदियां हन, घर दा मालक एक हुंदा, घर दे चार मैंबर हन, चारे मैंबर एक कमरे दे विच बैठे हन पर बाकी कमरियां विच नहीं, पर उन्हां दा नाम सारे कमरियां दे विच लिखिया है क्योंकि रजिस्ट्री विच सारे कमरे उन्हां दे नाम ते बोलदे हन।
इस तरह परमेश्वर वाहिगुरु जी दिखाई तो नहीं दिंदा, वह रहिंदा सारिआं दे हिरदिआं दे विच, सारिआं घरां दे विच, पर जे कोई महसूस करे कि दात परमेश्वर की दित्ती हुई है तो फिर अपने आप परमेश्वर की महसूस दा परमेश्वर की होंद सानू दिखनी शुरू हो जाएगी। एक कवि ने लिखिया है, कहिंदा है आप मकानों खाली उस थी ते कोई मकान ना खाली। आप मकान उहदा कोई मकान नहीं भाई, परमेश्वर का साडे वर्गा घर, साडे वर्गी कोठी, साडे वर्गी कितने चौंपड़ी उहदे वर्गी नहीं है, वह को है ही नहीं। आप मकानों खाली उस थी ते कोई मकान ना खाली, पर ऐसा कोई घर नहीं जिस घर विचों रहिंदा ना होवे। आपको सतनाम श्री वाहिगुरु। बस साडा फर्ज है कि उहदी दित्तियां होईयां दातां दा शुकराना करिए, जो उहने दित्ता है, जो उहने थोड़ा दित्ता है जां बहुता दित्ता है, सिख दा फर्ज बनता है कि वाहिगुरु जी तेरा दिता खावना, तू साडा दातार है, तू साडा दाता है, असी तेरा दिता खाने, तेरा दिता ही हड़ाउंदे हाँ, तेरे दिते घरां विच असी रह रहे हैं, उहदा शुकर करना बनता है। तो परिवार ने सन्मानयोग डॉक्टर साहब जिन्हां दा दास दे नाल काफ़ी प्यार है, काफ़ी चिर तो इन्हां दे नाल जुड़े हैं, बहुत प्यार वाले हैं ते निम्रता वाले हैं ते गुरु घर दे नाल प्यार रखने वाले, इन्हां ने अज गुरु की कृपा दे नाल सबब बने, महाराज बख्शिश की है, सतगुरु जी घर विच पहुँचे हैं, घर नूं पवित्र किया है, तो संगत दे चरण पए हैं। आओ हुक्म होया भैन जी वल्लों कि जिहड़े शब्दां दी लिस्ट दास नूं भेजेगी आपां सारे शब्द आप जी नूं सरवण कराने हैं, तो आप जी प्यार दे नाल भावना दे नाल सरवण करो जी। थिर कर बैसो हर जन प्यारे सतगुरारे सतगुर रे सवारे की पैज रखी करता रे जन की पैज रखी करता होए भजो भगवान निरपौ होए भजो भगवान साध संगत मिल कीनो दान साध संगत मिल कीनो दान शरण परे प्रभु लख खुशियां पातशाहियां लख खुशियां पातशाहियां लख खुशियां पातशाहियां लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुर नदर करे सतगुर नदर करे लख खुशियां पातशाहियां लख खुशियां पातशाहियां सबे थोक प्राप्ते जे आवे इक हाथ जे आवे इक हाथ जन्म पदार्थ सफल है सच्चा शब्द कथ जे सच्चा शब्द कथ गुरते महल प्राप्ते गुरते महल प्राप्ते जिस लिखिया होवे मत जिस लिखिया होवे मत
लख खुशियां पातशाहियां, लख खुशियां पातशाहियां। मेरे मन एक स्यों चित लाए, एक स्यों चित लाए। मेरे मन एक स्यों चित लाए, एक स्यों चित लाए। एक बिन सब तंद है, एक बिन सब तंद है। सब मिथिया मोह माए, सब मिथिया मोह माए। लख खुशियां पातशाहियां, लख खुशियां पातशाहियां। लख खुशियां पातशाहियां दे सतगुर नदर करे, जे सतगुर नदर करे। निमक एक हर नाम दे मेरा मन तन शीतल होए, मेरा मन तन शीतल होए। जिसको पूरब लिखिया, जिसको पूरब लिखिया। तिन सतगुर चरण गहे, तिन सतगुर चरण गहे। लख खुशियां पातशाहियां, लख खुशियां पातशाहियां। सच्चे नाल प्यार, सच्चे नाल प्यार। दुख संताप न लगई जिस हर का नाम आधार, जिस हर का नाम आधार। बाहा पकड़ गुर का दिया, बाहा पकड़ गुर का दिया। सोई अपार, सोई उतरे अपार। लख खुशियां पातशाहियां, लख खुशियां पातशाहियां, लख खुशियां पातशाहियां, लख खुशियां पातशाहियां। थान सुहावा पवित्र है जिथे संत सभा, जिथे संत सभा। थान सुहावा पवित्र है जिथे संत सभा, जिथे संत सभा। कोई तिस ही नौ मिले जिन पूरा गुरु लबा, जिन पूरा गुरु। नानक वद्दा कर तहां, नानक वद्दा कर तहां। जिथे मिर्त न जन्म जरा, जिथे मिर्त न जन्म जरा। लख खुशियां पातशाहियां, लख खुशियां पातशाहियां, लख खुशियां पातशाहियां। जे सतगुर नदर करे, जे सतगुर नदर करे। लख खुशियां पातशाहियां,
लख खुशियां पातशाहियां, लख खुशियां लख खुशियां लख खुशियां पातशाहियां, लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुर नदर करे। जे दा अर्थ कंडीशन है क, लखां खुशियां लखां पातशाहियां मिल सकदियां हन जे एक सतगुरु जी दी सवली निगाह हो जावे, सतगुरु जी दी कृपा भरी दृष्टि जिस वल हो जावे, उन्हां नूं बड़ियां पातशाहियां बड़ियां खुशियां मिलियां हन जिन्हां ते सतगुरु जी ने बख्शिश कीती है। हरेक दा आपो अपना कारोबार, कोई अपने कार दे विच खुश है, कोई नहीं खुश हुंदा, कोई दूजे का कार्ज देख के कोई दूजे का काम देख के ही कहिंदा तेरा काम वधिया मेरा काम वधिया नहीं, कोई कहिंदा भाई दुनिया में सब तो वधिया काम मेरा, किसी का काम ही नहीं वधिया, जो मैं कर लैंदा उही वधिया है। पर सतगुरु जी कहिंदे हन कि भाई जो परमेश्वर ने तैनू किरत दित्ती है ना, उहदे विच तू इमानदार जदों रहेगा ना, जदों उहदे विच पूरा निपुणता दे नाल लगन दे नाल काम करेगा ना, उहदे विच तरक्कियां उहदे विच बख्शिशां भी तैनूं मिलणगियां अपने आप मिलणगियां। सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने जिन्हां जिन्हां गुरसिखां ते बख्शिशां कीतियां उहनां दी लिस्ट बहुत लंबी है, उहनां दीआं साखियां बहुत हन। अपनीआं मन बिरतियां नूं एकाग्रत करिए, 10-15 मिनट का समा रह गया है। होला महला चलदा है श्री आनंदपुर साहब का, अनेकां संगतां होला महला दर्शन करन वास्ते जांदियां पईआं हन, पहलां भी जांदियां सन, हुण भी जा रहीआं हन। कोई बख्शिश लैण जांदा है, कोई मेला देखण जांदा है, कोई उदां ही रौला रप्पा देखण जांदा है, कोई रौला रप्पा पाउण जांदा है। जिदां दी भावना लै के कोई जांदा है, उदां दी भावना दे नाल उसनूं फल लगदा है। लाहौर तों दशमेश पिता जी दे वेले, धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी वेले, लाहौर तों एक सिख आया है संगत दे नाल, पहली बार दर्शन करने हन गुरु साहब जी दे। किते वजों एक हकीम है एक वैद है, भाव के वैद का कम करता है, हकीमत हकीमी करता है, लोगों की दवा दारूना सेवा करता है। डॉक्टर अमरिंदर सिंह भी लुधियाने तो आ करके मुकंदपुर विखे, देखो हर सवेर नूं आना फिर शाम नूं वापस जाना, जिथे जिथे किसी की ड्यूटी लगी उत्थे पहुँचना पैंदा है। ते ये अपनी इमानदारी दे नाल बड़ी भावना दे नाल हरेक मरीज नूं अटेंड करदे हन, ते बड़ा प्यार दे नाल मिलदे हन, बोलबाणी बड़ी प्यारी है। ते डॉक्टर उही वधिया है जिहड़ा बोल दे नाल ही दूजे मरीज का रोग अदा कर दे, नहीं तो कई डॉक्टर छोड़ो उन्हां दी गल क्या करनी, कई तो देख के डरा दिंदे, डॉक्टर कहिंदे तेरा तां कम खत्म है, तेरा तां बहुत कम विगड़िया पिआ। पर कई डॉक्टर बोलण दे नाल मिठे बोल बोल के ही दूजे नूं ठीक कर देंदे हन। लाहौर तों इह सिख आया है, अजे सिख भी नहीं बणिआ, पहली बार दर्शन करने हन गुरु साहब जी दे, संगत दे नाल रल गया है। ते महाराज जी दे घर वल नूं तुर पिआ, कहिंदा मैं की करां, जो मैं अपना कम कर दिंदा हकीमी दा, मन नूं शांति नहीं है, मन नूं टिका नहीं है, इंज करदा घरों निकल के दूर किते चला जावां, ये काम काज छड्ड देवां, हुण मैं घर भी छड्ड देवां, बच्चे भी छड्ड देवां, मन बड़ा तंग रहिंदा है, परेशान रहिंदा है, अंदर खिंजो ताड़ा जिहा बणिआ रहिंदा, की करां। क्यों? उदों हजे किरत तां है, कला तां है हाथ विच, अजे गुरु की कला नहीं वापरी, गुरु की बख्शिश तो अधूरा है। नाम इहदा इतिहास विच आउंदा है सुजान चंद, सुजान शाह भी आया, वैद सुजान चंद संगत दे नाल रल करके आनंदपुर साहब आ गया, तो महाराज जी दे घर विच आ करके मत्था टेकिया, लंगर पानी छकिया, संगत की सेवा की, फिर कीर्तन सुन लग पिया, कथा सुन लग पिया। कई दिन बाद महाराज जी दे नाल मुलाकात हुई, महाराज जी आप जी ने वचन करना है, सतगुरु जी मैं वचन करना है कि मैनू जो मेरे सियाणियां ने हकीमी सिखाई है, वैद होना सिखाया है, तो मैं अपने काम विच निपुण हाँ, पर की करा, मेरे मन नूं शांति नहीं है, मेरे मन नूं टिका नहीं है,
इंज करदा कि मैं बच्चे भी छड़ जावां, परिवार भी छड़ देवां, घर बार छड़ के दूर कितने चला जावां, पहाड़ों में चढ़ जावां, जाके जंगलों में लुक जावां, फिर शायद शांति मिलेगी। तो महाराज ने दशमेश पिता जी ने तो आप लिखिया कि भाई रे मन ऐसो कर सन्यासा बन से सदन सब कर समझो मन ही माहे उदासा। सन्यास लैना है घर में रह के सन्यास लै। महाराज कहना कि तेनू किन कह दिता कि जंगलों में जाके शांति मिल जाएगी, तेनू किन कहता कि पहाड़ों में चढ़ के शांति मिल जाएगी। जो तेनू कम दिता ना परमात्मा ने सिखाया है यह हरेक नूं नहीं मिल जाता, हकीमी पुणा हरेक थोड़े कर लैंदा। ये तेनू परमात्मा ने चुनिया इस करके यही काम कर, पर करी भावना दे नाल लोक भलाई की सेवा करके, सेवा भावना दे नाल काम करी। कहिंदा जी मेरे को हुंदी नहीं, की करा इस काम तो मैं अक गया। महाराज कहिंदे ना, जे तू ये काम तो अक गया ना तो साडे मत्थे ना लग, इत्थों भज जा। तो नाल दा जिहड़ा गुरसिख सी कहन लगा महाराज तुहाडे तो शांति लैण वास्ते आया है, कृपा करो महाराज ते बख्शिश करो, बड़ी दूरों आया लाहौर तो। महाराज कहिंदे भज जा, जिथे भज सकदा ना दूर दौड़ जा, इत्थों आनंदपुर साहब च नहीं रहना। कहन लगा महाराज ठीक है। मन नूं इतना चोट वजी, पहले दुखी सी कि मैं घर बार छड़ देवां, गुरु दे घर वो ओट आसरा नहीं मिलिया। महाराज दी रमज सी, महाराज रमज विच कहन लगे भज जा, नंगे पैरीं दौड़िया। महाराज कहिंदा दक्षण वल नूं दौड़ जा, इत्थे नहीं रहना, ना अपने घर वल नूं जाई, दक्षण वल नूं दौड़ जा। दौड़दा दौड़दा कीरतपुर साहब भी लंघ गया, सरसा नदी भी लंघ गया, बड़ी दूर जा करके दरिया का कंढा आया। एक छोटा जा पिंड है, गरीबड़ा जा पिंड, बार बार जाके लोग देखते कम का करते, खेतों डिग पिया, जाके दौड़ा जा रहे बेहोश हो गया। गर्मी सी, किसान कम कर रहे सन, दौड़े आ, कहते कोई बंदा दौड़े आ रहा, डिग पे एकदम, ये पिछे कोई पिया, कोई मारन वास्ते तो नहीं पिया, कहते पिछे तो कोई नहीं, ये दौड़िया क्यों सी, बेहोश होया। उसनों चुक करके पिंड लै गए, पिंड जा करके गर्म पानी दे पैर धोते, उन्होंने पानी पियाया, होश आई। कहन लगे भाई कितों आया तू, दौड़दा क्यों पिया सी, सारी गल दसी। कहिंदा मैं लाहौर वासी हाँ, आनंदपुर साहब आया सी महाराज जी दे कोल शांति प्राप्त करने वास्ते, पर महाराज ने भजा दिता इतों। महाराज कहिंदे दौड़ जा इतों, तेरी कोई जगह नहीं, जे तू अपने काम तो भजदा ना परिवार को भजन, परिवार को छड़ना चाहना, दौड़ जा इतों। मैं की करा, मैं बड़ा पछतोया कि महाराज तो बख्शिश लैनी सी। वो कह लगे मित्रा चल इंज कर, कुछ दिन साढ़े को रह, असी तेनों ठीक कर दें, जब तक तू ठीक नहीं हुंदा, तेरे पैरों के जख्म नहीं भरते ना, तू साढ़े को रह, तू कम की करदा। कहिंदा मैं हकीमी करना, वैद हाँ, दवा दारू बना लैना, दे दिना। एक माई आई, कह लगी वे हकीम मैनू ताप रहिंदा, मेरा ताप नहीं टुटदा, तू दवाई दे सकदा? कहिंदा हाँ, आ फलानी बूटी घोल के पी लै मां, तेरा ताप लथ जाएगा। माई ने बूटी घोल के पीती, तो दो दिन ताप लथ गया, जिहड़ा ताप लथदा नहीं सी कदे। माई कहने कि बड़ा सियाणा हकीम है, अज एक मरीज कल दो मरीज, मरीजां दी लैण लगण लग पई उत्थे, ते पिंड वाले ने उहदे वास्ते एक सांझी झुग्गी पा दित्ती, सुंदर घर बना दिता छोटा जिहा, कि इत्थे रहा कर ते अपनी हकीमी करिया कर, दवा दारू दिया कर लोगों नूं। साडा पिंड गरीब है, इस करके इत्थे कोई दूरों पिंड तो कोई हकीम भी नहीं आता इत्थे दवाई देण। कहन लगा चलो सेवा करनी है, आनंदपुर साहब च भी सेवा करनी सी, शायद महाराज ने मैनूं इत्थे भेजिया, इत्थे सेवा कर लैणा। रोज़ इदां ही सेवा करदा, पिंड वाले रोटी दे दिंदे हन, सारियां जरूरतां पूरियां कर दिंदे हन। ते कई महीने लंघ गए, बहुत ज़्यादा समा लंघ गया, तो कहिंदा हुण मैं ना घर जाण जोगा, ना गुरु साहब जी दे कोल जाण जोगा, की करां मैं हुण। ये इंज करदा कि सेवा नूं होर वधाया जावे, अपनी दवा दारू दे नाल नाल बाहर मेन रोड दे उपर जा करके जल दी सेवा भी करदा है, आए गए राइयां नूं सेवा जल दी करके जल छकाउंदा है। उन्होंने संगतां आनंदपुर साहब वल नूं भी जांदियां हन, आनंदपुर साहब तो भी आंदियां हन। किसी गुरसिख ने जाके दसिया महाराज
फलाने पिंड दे विच एक गुरसिख है, हकीमी भी करता है ते राइयां नूं पानी भी पियांदा है, मश्क रखी है पानी वाली, पानी भी पियांदा ते कहिंदा जपो धन कलगीधर पातशाह, जपो धन कलगीधर पातशाह, तुहाड़ा नाम जपाउंदा है ते बड़ी प्यार दी मूर्त है महाराज, बड़ा प्यार वाला सिख है। महाराज जी सुन के बड़े मुस्कराए, कहिंदे चल हुण रंग लग गया, आज हमारा ग्रह बसंत गुण गाए प्रभ तुम बेअंत, ये प्रेम का रंग लग गया, हुण सेवा करके रंग लगता है। जदों महाराज जी ने सुनिया ना कि सुजान चंद हुण सेवा विच बड़ा मस्त रहिंदा है, नाम भी जपदा रहिंदा है, सतगुरु जी सिखां नूं कहिण लगे भाई असीं अज शिकार खेडण जाणा फलाने इलाके वाले, सरसा नदी पार करके फलाने इलाके जिहड़ा आपां शिकार खेडण जाणा। चलो जदों पिंड दे लोकां नूं पता लगा कि महाराज जी शिकार खेडण इस इलाके विच आए हन, आपां बुला के लैके आणा उहनां नूं, सुजान चंद नूं कहिण लगे सुजान चंद कलगीधर पातशाह इन्हां पिंडां विच घुम्मदे पए हन, शाम नूं आपां उहनां नूं अपने पिंड लैके आणा, तिआर रही आपां अपने पिंड लैके आणा महाराज जी। सुजान चंद नूं सुण के चा चढ़ गया, जिस सतगुरु जी के दर्शन करने वास्ते तड़फदा पिया सी, जिहदी सेवा करदा पिया सी, वो सतगुरु जी ने आप ही इधर नूं मूँह कर लिया, वो सतगुर आप इधर नूं आने वास्ते तैयार हन। कहन लगा बिल्कुल जी जरूर, पर मेरी शर्त यह है कि उन्हां दा आसन मैं अपने घर विच लावांगा, ये मैनू सेवा कर लैंदे हो, इह तों मना ना करियो। कहन लगे चल ठीक है, तेरी सेवा बड़ी है, तेरी भावना बड़ी है, उन्हां दा आसन तेरे घर विच लावांगे, तेरी झुग्गी विच उहदा उन्हां दा आसन ला देवांगे। सतगुरु जी दे आण दीआं तैयारियां कीतीआं हन, कुछ कु समां रह गया, डेढ़ दो घंटे रहिंदे हन महाराज जी दे आण नूं। अचानक दूजे पिंड तों इक माई आई, कहन लगी वे वैद वे छेती कर, मेरी नूं उहदे पेट विच सूल उठी है, सूल दा दर्द बड़ा भयानक हुंदा, बहुत दर्द हुंदी कईआं नूं, जे तां किसी वैद हकीम तों डॉक्टर तों काबू आ जावे ठीक ने तां बंदा बहुत सीरीयस हो जांदा है, एन सूल जिवें सूआ चुभ जांदा। कहन लगे वह दर्द हुंदी है छेती चल। वैद सुजान चंद कहन लगा गुरु के दर्शन करन दा टाइम है, गुरु की सेवा करां जां दर्शन करां। फिर चेते आया कि नहीं, पहलां गुरु की दित्ती हुई सेवा निभावां ते फिर गुरु के दर्शन कर लवांगा, फिर किते होए फिर कर लवांगा, चल माई शायद छेती मुड़ के आ जावां। नाल दवाई देन चला गया, दवाई दिती है उस बच्ची नूं, उस लड़की नूं मूँह विच दवाई पाई है, जब तक आराम नहीं आता ते कोल बैठना पिया, आराम आंदे आंदे घंटा डेढ़ घंटा लग गया। जदों वह बच्ची ठीक हुई ना, लड़की ठीक हुई, तो सुजान चंद कहन लगा माई अपनी इस नूँह नूं सांभ ते मैनूं छुट्टी दे, मैं हुण छेती जाणा, मैं अपने गुरु के दीदार करने हन, मैं हुण रह नहीं सकता। माई कहन लगी तेरी फीस तेरे पैसे किन्ने देवां, कहन लगे कोई पैसा नहीं, अज मैं कोई पैसा नहीं देना, बस तू मैनू हुण जान दे। इतनी बेबलता देख करके माई बड़ी प्रसन्न हुई, कहन लगी धन है तू, धन है तेरा गुरु जिहदे दर्शन करके तू तड़फदा पिया। वैद सुजान चंद भज्जा आया अपने घर वल नूं, आके की देखिया है, सोचता पिया कि हुण तां सतगुरु जी चले गए होणगे, इन्ना टाइम कित्थे हुंदा महाराज कोल, इन्ना समा कित्थे हुंदा उहनां कोल, छामां पईआं हन ते कित्थे आनंदपुर साहिब मुड़ के भी जाणा उहनां ने, ते सतगुरु सच्चे पातशाह जी बारे सोचदा आ रहा, तो देखिया अपनी झुग्गी दे दुआले रश पिया, किन्ना लोग इकट्ठे होए, किन्ना उमड़ उठिया पिया, लोग इकट्ठे होए, भीड़ पई है, जाके देखिया भाई की होया, कौन आया, कोई मरीज तो नहीं आया, जिहड़ा बहुत ज़्यादा बीमार होवे जिहदे दुआले लोग इकट्ठे होए हैं, पर देखिया अंदर सतगुरु जी सिंघासन ला के बैठे हैं, आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। सतगुरु जी पलंगे ते विराजमान सिंघासन ते बैठे हैं, ते सिख बैठे कोल कीर्तन कर रहे हैं, संगत जुड़ी पई है। सुजान चंद जांदिया ही गुरु के चरणों में जाके धर्म कदा डिगया, अपनिया अखा के जल के नाल गुरु के चरण धो दिते। महाराज किन्ने महीने हो गए तुहाडे दर्शनों तो बिना बैठा हाँ, मैं चाहुंदा सां कि तुसी मेरे घर आओ जां मैं तुहाडे घर जावां, पर किहड़े मूँह ना जावां, तुसी ते मैनूं आप भजाया सी, मैनूं समझ नहीं आउंदी सी जावां किवें वापस। सतगुरु जी कहिण लगे तैनूं तां भजाया सी, जो तैनूं परमात्मा ने जिस काम वास्ते चुणिया ना
वह काम इमानदारी दे नाल सेवा भावना दे नाल कर, जिथे करेगा तो मैं उत्थे पहुँच जावगा। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। उत्थे पहुँच जावगा। अज तैनू दर्शन देन वास्ते असीं पहुँचे हाँ, संगतां लैके आए हाँ, सिख लैके आए हाँ। दस किन्नी की सेवा करनी गुरु की, दस किन्नी की सेवा करनी संगत की। जो मंगेगा तैनू देवांगे। महाराज जी कुछ नहीं चाहिए, बस अपने घर के कोल रखो। तुमरी शरण तुम्हारी आसा, तुम ही सज्जन सुहेले रखो। राखण हार दयाला नानक करके गोले, अपने घर का गोला बना के रखो, दास बना के रखो। महाराज कहिंदे चल फिर साढ़े घर चल, उत्थे हकीमी करी। महाराज जी दे नाल श्री आनंदपुर साहब वापस आया। महाराज जी ने परिवार को भी बुला लिया, सारे परिवार ने अमृत पान किया। वैद सुजान चंद तो वैद सुजान सिंह बने। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। यह ना कहना कि फलाने का कम वधिया ते मेरा कम वधिया नहीं, जिहड़ा कम दिता है ना परमेश्वर ने सौंपया, परमेश्वर ने तुहानू चुनिया उस कम वास्ते, उस काम नू इमानदारी दे नाल प्यार दे नाल अते लगन दे नाल करिए, ते उस काम विच तरक्की जरूर मिलती है, खुशियां जरूर मिलदियां हन। आओ एक एक शब्द रह गया उस लिस्ट दा, तुद पावै ता नाम जपावै सुख तेरा दिता लही है। तुद पावै ता नाम जपावै, तुद पावै ता नाम जपावै, तुद पावै ता नाम जपावै, तुद सारी संगत पावै ता नाम जपावै, सुख तेरा दिता नहीं है, सुख तेरा दिता नहीं है, सुख तेरा दिता नहीं है, सुख तेरा दिता नहीं है। मेरे राम राय, मेरे राम राय, ज्यों राखें त्यों रही है, मेरे राम राय, मेरे राम राय, ज्यों राखें त्यों रही है, तुद पावै ता नाम जपावै, 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 सुख तेरा दिता लही है, सुख तेरा दिता लही है, सुख तेरा दिता लही है, सुख तेरा दिता लही है। पार ब्रह्म परमेश्वर सतगुर आपे करण हारा, पार ब्रह्म परमेश्वर सतगुर आपे करने हारा, चरण तूड़ तेरी सेवक मांगे, तेरे दर्शन को बलहारा, चरण तूड़ तेरी सेवक मांगे, तेरे दर्शन को बलहारा, तुद पावै ता नाम जपावै, 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 सुख तेरा दिता नहीं है, सुख तेरा दिता नहीं है, सुख तेरा दिता नहीं है, सुख तेरा दिता नहीं है। मुक्त पुगत जुगत तेरी सेवा जिस तू आप कराए हैं, मुक्त भुगत जुगत तेरी सेवा जिस तू आप कराए हैं,
कुंठ जय कीर्तन तेरा तू आपे सरदा लाए तहां बैकुंठ जय कीर्तन तेरा तू आपे सरदा लाए तुझ पावे ता नाम जपावे 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 सुख तेरा दिता लही है सुख तेरा दिता लही है दिता लही है सुख तेरा दिता लही है सिमर 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 नाम जीवा तन मन होए निहाला सिमर 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 नाम जीवा तन मन होए निहाला चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा तेरे दीन दयाला चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा मेरे सतगुरु दीन दयाला तुद पावे ता नाम जपावे तुद पावे ता नाम जपावे तुद पावे नाम जपावे तुद पावे ता नाम जपावे सुख तेरा दिता लही है 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 कुर्बान जाई उस वेला सुहावी जित तुमरे द्वारे आया कुर्बान जाई उस वेला सुहावी जित तुमरे द्वारे आया नानक कौ प्रभ पै कृपाला सतगुर पूरा पाया नानक कौ प्रभ पै कृपाला सतगुर पूरा पाया तुद पावे ता नाम जपावे 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 सुख तेरा दिता सुख तेरा दिता लही है 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 सो इतनी सेवा प्रवान करनी जी कीर्तन करदे हां कथा करदे हां साहब जी की सिफत करदे हां अनेक प्रकार दियां गलतियां भुल्लां चुका हो गईयां हन अनजान बच्चे समझ के माफ करना सतगुरु जी अते संगतां बख्शन योग हन जी खिमा देनी कोटान कोट शुक्र श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का सारी संगत का धन्यवाद जिन्हां ने बख्शिश की है असीसां दित्तियां हन सेवक परिवार का डॉक्टर सरदार अमरिंदर सिंह जी का बीबी नरवैर कौर जी का धन्यवाद जिन्होंने सानू अज अपने ग्रह विखे इस सेवा का मौका बख्शिश किया है सतगुरु कृपा करन बख्शिश करन आप संगतां दा प्यार मिलता रहे दासरियां दा इह जत्था गुरद्वारा पंज तीरथ साहिब छेवें पातशाह श्री गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी का पावन पवित्र स्थान पिंड ललोवा जिला नवांशहर नेड़े मुकंदपुर के कोल जिथे हजूरी रागी वजो सेवा निभा रहे हैं अब संगतां ने प्यार बख्शिश किया है गुरु के वजीर हेडग्रंथी साहब जी का धन्यवाद जिन्हां ने आप संगतां नूं बाणी सरवण कराई है ताबिया बैठ के सेवा निभाई है आओ हुण अनंद साहब का जाप उपरंत अरदास भी शामिल हो
राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर ता पाया सहज सेती मन वजियां बाधाया राग रतन परवार प्रिया शब्द गावण आया शब्दो तगावो हरि के रामन जनी वसाया कह नानक आनंद होवा सतगुरु मैं पाया ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब सारना अंगीकारो करे तेरा कार्य सब सवारना सब नांगला समरथ स्वामी सो क्यों मन हो विसारे कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहेबा क्या नाही घर तेरे तो तेरे सब कुछ है स्नेह सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जन कह मन वसिया वाजे शब्द कनेरे कहे नानक सच्चे साहिब क्या नाही घर तेरे साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया कर सांत सुख मन से आज नहीं छा सब कुटाइया सदा कुर्बान कीता गुरु विटा जिस दिया ही वड्याइया कहे नानक सुन हो संतो शब्द तरह प्यारो साचा नाम मेरा आधार वाजे पंच शब्द कर सपागे अज भगे शब्द वाजे कला जित कर तारिया पंच दूत तुद वस कीते काल कंटक मारिया कर्म पाया तुद जिन को से नाम हर कह लगे कहे नानक सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल वसूरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी संत साजन पय सर से पूरे गुरते जानी सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहिया पर पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तुरे सलोक पवन गुरु पाणी पिता माता तरत महत दिवस रात दोई दाई दाया खेले सगल जगत चंगियाया बुरियाया बाचे धर्म हदूर धर्मी आपो अपनी के नेड़े के दूर जिनी नाम ते आया गए मुसकत काल नानक ते मुखे उजले कीर्ति छुट्टी नाल जिनी नाम ते आया गए मशक्कत काल नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।